नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी के कानून पारित करने के बाद भी उनकी नाक के नीचे ही कुछ शराब माफिया उनके इस विधेयक की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हां, बीते कुछ दिन पहले बिहार में जो कुछ भी घट रहा है वो उसके आदेशों की अवहेलना ही है। शराब माफिया शराबियों के लिए नए नए तरीके से शराब उपलब्ध करा रहे हैं और सीएम नीतीश के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो वहीं दूसरी ओर यहां शराब से होने वाली मौतें भी जारी हैं। करीब 6 साल पहले बिहार के सुशासन बाबू यानी सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी से संबंधित विधेयक सदन में पारित किया था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर विधेयक में कहा था कि मुझे हमेशा ही ये अनैतिक धन लगा है, गलत पैसों से किसी का भला नहीं हो सकता। नीतीश सरकार ने बिहार मद्य निषेध व उत्पाद विधेयक 2016 पारित किया, जो कि पूरी तरह से नया विधेयक है। विधेयक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था। बिहार सरकार के लाख प्रयास के बाद भी शराबबंदी पर रोक नहीं लग सकी। कभी ऑनलाइन डिलीवरी तो कभी चोरी छुपे शराब की तस्करी करने के मामले सामने आते रहे। हाल ही में शराब पीने से सारण में हुई 56 लोगों की मौत का मामला थमा भी नहीं था कि सिवान में एक बार फिर 4 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भारतीय जनता की पार्टी सत्ता में थी तब शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन था। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा सदन में कहा कि शराब पीने से होने वाली मौतें किसी तरह की मुआवजे राशि के हकदार नहीं है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। बिहार में मौत का खुला नाच चल रहा है और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग यही कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। साहब को लगता है उनका ये बयान उन पीड़ित परिवार पर मरहम का काम करेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि समय का चक्र जरूर घूमेगा और जनता जनार्दन फिर बनेगी, तब साहब कहां जाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।